हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार सूर्या टूरिज्म टिप्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही एक अच्छी खबर शेयर करने वाला हूं। शायद कुछ मित्रों ने सुना भी होगा और नहीं सुना होगा तो साथियों वीडियो ज़रूर देखना, शायद आपके काम की चीज़ है, बहुत खुशी की चीज़ है, राहत देने वाली चीज़ है। जी साथियों, मैं बात कर रहा हूँ रेमडेसिविर जो मेडिसिन है, दवा है, वो क्या है और कैसे ये काम करती है, मैं आपको डिटेल से बताऊँगा साथियों। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, रेमडेसिविर जो मेडिसिन है वो अमेरिका अपने जो कोरोना पेशेंट हैं उनके ऊपर ट्रायल किए हैं। वास्तव में 31% उसका तेज रिजल्ट मिला है, मतलब 31% मतलब सुधार के मामले हैं तेज़ी से। और साथ ही साथियों, आपको बता दूं, यूएसए अगर आज की बात करूँ तो आज के टाइम प्रजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा प्रभावित कंट्री है दुनिया के अंदर, जहाँ 12 लाख पॉजिटिव केस हैं और 76,000 मृत्यु हो चुकी हैं। और बहुत सारा मतलब जो सबसे ज़्यादा जूझ रहा है वो वही है। अगर मैं यूरोपियन कंट्री में बात करूं तो आज ब्रिटेन सबसे ज़्यादा इस चीज़ के अंदर जूझ रहा है। किसी टाइम इटली थी जो सबसे ज़्यादा यूरोप के अंदर डेथें हुई थी, डेली मतलब हज़ारों मौतें हो रही थी, आज वही स्थिति दोबारा आके ब्रिटेन की हो गई। इटली ने तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल किया, जर्मनी ने भी कंट्रोल किया, लेकिन अब ब्रिटेन के अंदर ये हालात हो रहे हैं। और यूएसए तो शुरू से ही मतलब इस चीज़ के हैं। और सब सेकंड रसिया तो किसी टाइम तक वहाँ पे नाम भी नहीं सुना था, और लास्ट कुछ दिनों में वहाँ पे हजारों लाखों में केस हो गए, मतलब डेली 10-10, 11-11 हज़ार पॉजिटिव केस आ रहे हैं। तो इसमें सबसे राहत भरी खबर ये है कि रेमडेसिविर जो मेडिसिन है वो जापान गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रूव दे दिया है। वो रेमडेसिविर मेडिसिन को जापान गवर्नमेंट भी अपने मरीजों के ऊपर ट्रायल करेगी। जो इबोला वायरस, साथियों आपने सुना होगा नाम, इबोला वायरस आया था 2014 के अंदर जो अफ्रीका महाद्वीप में बहुत तेज़ी से फैला था। सेम लक्षण मतलब कोरोना की तरह थे, वही मतलब उल्टी होना, दस्त होना, बुखार आना, सर दर्द होना, खून से फैलना, ठीक है। बस कोरोना में थोड़ा सा डिफरेंस है कि हाथ से छूने से, छूने से वो भी फैलता था इसी की तरह, मतलब छुआछूत की एक प्रकार की वो भी बीमारी थी। उसके अंदर तो साथियों बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल हो गया था, टाइम से ही मेडिसिन मिल गई थी, लेकिन उसके अंदर मात्र 11,000 के आसपास डेथ हुई थी। लेकिन इसमें तो कोरोना वायरस में तो लगभग अब तक 3-4 लाख मृत्यु हो चुकी हैं। तो रेमडेसिविर जो मेडिसिन है वो बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है साथियों, जिसका मतलब अमेरिका के अंदर वास्तव में सफल ट्रायल रहा है। और 31% मरीज वो तेज़ी के साथ सुधार हुए हैं। और वही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वही चीज़ जापान ने भी बोला है। तो मतलब जापान भी उसकी जो जापान गवर्नमेंट है वो उसको अप्रूव्ड रेमडेसिविर मेडिसिन को अप्रूव दे चुकी है। तो साथियों एक बेहतरीन न्यूज है, जिस मेडिसिन ने, रेमडेसिविर ने कोरोना को इबोला वायरस को ख़त्म किया, उम्मीद करते हैं कि वो वायरस मतलब रेमडेसिविर मेडिसिन कोरोना वायरस को भी ख़त्म कर दें। और साथियों घर पे रहें, सतर्क रहें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक एंड कमेंट जरूर करना।